ओ, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के इस माया नगरी में। मैथमेटिक्स जबरदस्त तरीका से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जिंदगी में मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, जिस चीज से डर लगता है ना, उससे मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए, प्यार करने की कोशिश कीजिए। आई गारंटी कि यहाँ से डर डर के दूर हो जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा, यानी भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपका मैथमेटिक्स में शानदार रिकॉर्ड तोड़ मैथमेटिक्स यहाँ पे तैयार जबरदस्त आपको हम कराएंगे। यानी मैथमेटिक्स तो यहाँ नहीं, यहां भी उतार देंगे, ये दिमाग में रख लीजिए। और जो यहां उतारेंगे ना, समझ रहे हो ना यहां क्यों उतरता है, क्योंकि यहां जो लगता है वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा ना हो कि वादों के महल ढह जाए और दिल के हिस्से में सिर्फ तड़पना रह जाए। यानी आपको तड़पना नहीं है, उस तड़प के जरिए कुछ जबरदस्त मैथमेटिक्स सीखना है। इसमें आते हैं टू द पॉइंट। इसका ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। ट्रिक क्या था, एक त्रिभुज बनाए थे। क्या बनाए थे, एक त्रिभुज बनाए थे ऐसे, यहां लिखे थे 60 डिग्री और यहां लिखे थे 30 डिग्री, 1, 2 और √3, बस वैल्यू भर दीजिए। आंसर सिंपल है, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा। यहां देखिए इसका वैल्यू भरिए। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए 60 के लिए लंब हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा यानी √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है, तो ऐसे ही लॉजिक की तरह, लॉजिक एक प्रकार का है, ये भी होता है इतना है √3/2। क्या होता है, √3/2। देख लीजिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और आधार 30 के लिए आधार यही हो जाएगा। देखिए इसके जिसका बात करेंगे उसके सामने वाला लंब होता है, पड़ोस आधार हो जाएगा √3/2। और प्लस साइन 30 क्या होता है, लंब बट्टा आधार, 30 के लिए लंब हो जाएगा सामने वाला 1 और आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2। उसके बाद से कॉस 60 भी होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर दिए, 3 में 3 से गुणा 3 3 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और बट्टा 2 2 4 प्लस 1 में गुणा कर लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम आपको आता ही है, 3 + 1 = 4/4 1 बार में आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1। सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही 2 नंबर भी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2 tan² थीटा, अब थीटा के जगह 45 लिखा है, तो 45 वाले का हम अलग ट्रिक बताए थे। 45 वाले का यहाँ पे दिए थे 1 1√2, दोनों जगह तो 45 ही था, सिंपल है। अब यहाँ देखिए 2 tan² थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार 1/1। ट्रिक तो याद है ना, 1/1, तो 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दीजिएगा, प्लस है तो प्लस। कॉस 30, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार का कर्ण देवी से मोहब्बत हो जाता है, और ये आधार का तो 30 के लिए सामने वाला लंब होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आधार √3/2, ठीक है। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, बेवफा नहीं है वो, कभी नहीं बदलेगा, भले छोड़ देगा लेकिन बदलेगा नहीं, ठीक है, √3/2 हो जाएगा। स्क्वायर है ना, कॉस का क्या है, स्क्वायर हमको पता है, साइन 30 का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डाल दीजिएगा, प्लस, प्लस है ना, नहीं माइनस है, क्या है, माइनस है। साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 60 का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, यानी लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा √3/√3 और कर्ण हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बहुत आसान है। यहाँ देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, और यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो प्लस माइनस यहीं पे काट ना दीजिए, इसमें से जैसे आप 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 0, सेम रहता है, एक प्लस में रहता है और एक माइनस में, तो 0, वैसे ये सेम टू सेम है तो काट दीजिए, सिंपल। उसके बाद से 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 एकम 2, आंसर हो गया, सिंपल। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है मैथमेटिक्स, दिल में उतार लेना है। मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगा ना तो हर सब्जेक्ट में मन लगेगा, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग समझो हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उत्पन्न खुद से खुद हो जाता है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरा का पूरा डेटा आपको चुटकी वाला ट्रिक बता है, यानी कि आपको कभी नहीं फॉर्मूला बहुत याद करने में परेशानी हो रहा है ना, टेंशन मत लीजिएगा, आप इसके पिछले वाले वीडियो प्लेलिस्ट खोल करके चेक कीजिए, उसमें डायरेक्ट इसका ट्रिक बता है, और वो भी दो दो ट्रिक बताया है, और दोनों आपको याद रहेगा। इतना आसान तरीके से अगर छोटे बच्चे को समझाया जाए ना, वो भी याद हो जाएगा, आप तो बहुत समझदार हैं यार, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और हिंदी के वीडियो का प्लेलिस्ट भी पूरा का पूरा 24 लेसन तक कंप्लीट है, यानी जबरदस्त तरीका से। और ट्रिक का तो खैर आप पूछिए मत, ट्रिक का तो खजाना
अपना पूरा का पूरा पढ़ा है, हर लेसन आपको डीपली दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और चलिए बिना देर के इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, यहां से हम वैल्यू देख के भरते हैं, नहीं तो ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। कॉस 45 होता है 1/√2, क्या होता है वैल्यू पहले भरते हैं 1/√2, बट्टा बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा, sec 30 का वैल्यू, यानी कि sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos 30 का वैल्यू होता है ये वाला √3/2, तो इसी का उल्टा होता है, यहां देखिए sec 30 √2/√3, याद रखिएगा ये तीनों का उल्टा ये वाला तीनों होता है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला अपोजिट होता है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला, सेकंड वाले का ये, और थर्ड वाले का ये हो जाएगा, ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा कितना आपका 2/√3 प्लस, यहाँ कौशिक 30 दिया है, कौशिक 30 साइन का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कौशिक 30 हो जाएगा 2/1, यानी सिर्फ हो जाएगा 2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा 1/√2/, ये कर लीजिए बट्टा का जोड़, तो ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 2+√3, ये हो जाएगा 2√3। ऊपर नीचे एक रूल होता है, समझिएगा, जब ऐसे चार गो बट्टा में ऐसे दिखे ना, तो ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, क्या हम बोले हैं, ऊपर और नीचे दोनों ऊपर और बीच वाला दोनों नीचे हो जाएगा, तो ऊपर नीचे ऊपर चला गया, यानी 1 और 3 चला जाएगा ऊपर, 1 नहीं लिखते हैं, और दोनों बीच वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, दोनों बीच वाला के बोले तो एक ये वाला हो जाए 2, और ये हो जाएगा इनटू ये वाला भी गुणा में, मतलब 2+√3, ये वाला हो गया। अब गुणा कर दीजिए, सिंपल है, गुणा करने के बाद क्या आएगा, आ जाएगा √3 और बट्टा 2 में से हो जाएगा 2√2, और ये 2 3 6, रूट वाला सिर्फ रूट वाला से मल्टीप्लाई करता है, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2√6 हो जाएगा। अब मामला ये फंसता है कि इसके बाद सॉल्व कैसे होगा, यहाँ प्लस दे दे रहे हैं सही से, तो देखिए आपको बता रहे हैं कैसे होता है, जब भी आप नीचे रूट में देखिएगा, कभी भी नीचे रूट देखिएगा, इसी का परमेकरण रेशनलाइजेशन कर देते हैं। परमेकरण का मतलब क्या होता है, जब भी बोले कि इसका परमेकरण कीजिए, तो यही चीज उतार दीजिएगा 2 बार, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो इस साइड क्या रहेगा, सिंबल बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो अभी प्लस है तो यहाँ माइनस लिखिए, इस साइड हम लिखते हैं परमेकरण, हम इधर करते हैं, देखिए √3 और बट्टा 2√2+√6 उतार दिए, परमेकरण किए तो 2√2-2√6 और बट्टा 2√2-2√6 हो गया, सिंपल है। अब गुणा कर दीजिए ना, इससे दोनों में गुणा कीजिए √3 से, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√6, रूट वाला सिर्फ रूट वाला से मल्टीप्लाई करेगा, और 3 × 6 = 18 हो जाएगा 2√18 हो गया सिंपल। और ये देखिए, अब एक चीज हमेशा ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि नीचे वाला एक फॉर्मूला पे हमेशा टूटता है, ये दोनों सेम आएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, तो फॉर्मूला होता है a+b और a-b, a² - b² होता है, क्या होता है a², यानी 2√2² और माइनस हो जाएगा 2√6² इतना तो आपको समझ में आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, और ये यहाँ कुछ कॉमन देख रहे हैं आप, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल भी सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 2 कॉमन निकालिए, तो बचेगा √6-√18 और बट्टा, यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √2 जब है तो इसका जब स्क्वायर कीजिए 4 × 2 हो जाएगा 8, और माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 × 6 हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो जाएगा 2√6-√18, और ये जब 24 में से ये जब 8 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 16, इसको कटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8। अब फिर इसको लिखना होगा, तो आप लिखिए √6-√18 और बट्टा में हो जाएगा माइनस में 8। इसके बाद क्या करें, रूट से निकालने आपको आता है, अगर बाबू आपको रूट से निकालने आता है तो बहुत आसान है, कैसे 18 को तोड़िए, तो 18 को जब रूट से आप बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 2 से 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी 2 × 3 है, रूट 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, जब भी जोड़ा लगता है वो वाला अंक बाहर निकल जाता है, तो 3 बार 3√2 हम लिख सकते हैं, 18 को कैसे लिख सकते हैं 3√2, तो यहाँ इसको लिखिए तो सही, यहाँ पे √6 है ना, तो इसको आप लिख दीजिए √6 और माइनस इसको लिखिए 3√2, ठीक है, और बट्टा में इसको क्या लिख दीजिएगा माइनस में 8, या तो आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, नहीं तो इस माइनस से जो नीचे है, अब नीचे देखिए, अब कोई पूछेगा आपसे कि नीचे कहाँ माइनस लगता है, तो माइनस नीचे भी लगा सकते हैं, इस माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ माइनस नीचे है, तो तरीका बहुत सारा है, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो उसके बाद माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये वाला जिसमें रहता है ना तो सिंबल बदल जाता है, माइनस में होगा तो प्लस में, प्लस में होगा तो माइनस, नहीं तो इसी माइनस से सब में गुणा कर दीजिए, तो इस माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा −√6, और इस माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा तो प्लस में 3√2 और बट्टा में 8, ये
आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेगा सर मेरा ये भी किताब में आंसर नहीं दिया, तो बता रहे हैं क्या दिया है, इस प्लस वाले को आगे लिख दिया होगा, इस माइनस वाले को पीछे, और बट्टा में 8 इतना किया होगा जरूर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार आप इसको आंसर देख लीजिएगा जरूर, बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में बाबू पूछेगा क्या, जब भी नीचे रूट दिखे उसके लिए क्या कीजिएगा, इसका परिमेयकरण कीजिएगा, यानी इसी चीज को दो बार लिख दीजिएगा, अगर ये प्लस में होगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, नीचे हमेशा एक फॉर्मूला पे सेट होता है, ये चीज उतार देते हैं सेम टू सेम, एक बार स्क्वायर पहले वाला का, एक बार दूसरे वाला का, यानी इस हमेशा ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला पे ये क्या होता है, टूटता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के साइड वाले 4 नंबर का पोस्टमार्टम करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यू भरते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 37 का वैल्यू भरेंगे, 45 का भरेंगे, cosec 60 इसका इसका, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपसे अगर सब कुछ भर लेते हैं तो थोड़ा बहुत सॉल्विंग प्रॉब्लम आप में आएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। हम है ना, सब टेंशन खत्म हो जाएगा, जब हम हैं तो क्या गम है। यहां देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30, अब इस हिसाब से देखिए तो इसमें साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहां वैल्यू भर सकते हैं 1/2 होता है, ठीक है, इधर साइड में लिखते हैं 1/2, इतना तो आप कर सकते हैं। वैसे ही साइन 45 का भरना, तो उसमें से देख क्या भर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और माइनस कॉसेक 60, तो जो साइन 60 का वैल्यू होता है ना √3/2, तो उस हिसाब से 2/√3 हो जाएगा, यानी साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसी का उल्टा तो कॉसेक होता है, देखिए तो 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, आपको ये कैजुअली आइडिया के लिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। और बट्टा सेक 30 का लिखना है, तो सेक 30 क्या होता है 2/√3 होता है, क्या होता है 2/3, यहाँ देखिए तो सेक लिखा है और सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, और प्लस cos 60 क्या होता है, तो cos ये वाला हो गया और 60 ये 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, और उस हिसाब से cot 45 का क्या होता है 1 होता है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये टोटल का टोटल हम सिर्फ वैल्यू भरे हैं, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो बस बट्टा का जोड़ किया जाता है, यहाँ भी 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 मान लीजिए, और कर दीजिए बट्टा का जोड़, सबका LCM निकाल लीजिए, हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, यहाँ बचेगा डिवाइड कीजिएगा √3 + 2√3, ठीक है, और माइनस √3 से √3 खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। ये आपको समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, इसका LCM निकालिएगा, तो जब जिसका LCM नहीं होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो 2√3 हो गया, इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 से गुणा, तो यही, फिर इसमें भाग दीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, और ये यही लिख देते हैं सेम, इसमें भाग दीजिएगा √3 से √3 खत्म, 2 × 2 = 4, एज इट इज सेम टू सेम यही काम इसमें करेंगे, 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, यहाँ बट्टा लिख देते हैं 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2√3, इतना तो आपको समझ में आया, √3 से ये 2√3 खत्म हो गया, और यहाँ देखिए √3 यहाँ 2 ठो, और यहाँ पे 1 ठो 2, और ये कितना हो जाएगा 3√3, 2 या और ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस में 4, और बट्टा यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 + 3√3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों सेम आ गया, नहीं बाबू ये दोनों सेम नहीं आया है, इसमें 4 माइनस में है, इसमें 4 प्लस में है, और जब भी नीचे रूट देखिएगा तो ऐसे ही परिमेयकरण कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है परिमेयकरण, लेकिन जहां प्लस रहता है वहां माइनस, और यही काम कितना बार करते हैं 2 बार करते हैं, कितना बार करते हैं परिमेयकरण में 2 बार करते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये दोनों तो सेम निकला, गलती से सेम निकला, लेकिन निकला ना सेम, तो जब सेम एक ही चीज रहता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 2 बार, लेकिन ये दोनों चीजें सेम नहीं है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस 3√3 का स्क्वायर ऐसे हो जाता है, ए माइनस बी के 2 स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, इस पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ से आपको तोड़ते हैं 3√3 a² + b के जगह पे, ये पूरा a के जगह पे, ये पूरा b के जगह पे, ये हो जाएगा b² अब माइनस 2, a कितना है 3√3 और b कितना है 4 है, आपको समझ में आया a और b, इसको मिटा दें, और बट्टा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27 प्लस 4 × 4 = 16, और यहाँ देखिए 3 × 3 देखिए रूट वाला सिर्फ रूट से मल्टीप्लाई करता है, तो बाहर वाला बाहर से करो, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
24 रूट तीन और बट्टा में ये 27 और 16 है, तो 16 में से यानी 7 में से 6 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1, और ये भी हो जाएगा 1, 11 आया, कितना आया माइनस में 11 है। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ देखिए 27 और 26 कितना होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 और 7 13 के तीन हाथ में, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, 43 माइनस 24 रूट 3 और बट्टा में माइनस 11। अब आपका आंसर इतना नहीं देगा क्योंकि यहाँ नीचे क्या है, माइनस है, तो जब नीचे माइनस है तो इस माइनस से गुणा करो, सिंबल बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 43 और प्लस में हो जाएगा 24 रूट 3 और बट्टा में हो जाएगा, अगर इसको आगे लिखेगा 43 को पीछे लिख देगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही इजी वे में इसका पोस्टमार्टम समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, आपको मैथमेटिक्स यहां उतार देंगे, ये दिमाग में रख लीजिए और बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप दिलो जान में उतार लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले ये जितना तीन ठो फॉर्मूला है जो स्क्वायर ग्रुप कहते हैं, इसको इस फॉर्मूला का क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, स्क्वायर ग्रुप का है। देखना इसमें सब में बाबू क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर वैसे भी पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 15 तक का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला एक ही वीडियो में पूरा मैथ कंप्लीट है। एक बार जा करके उसको देखिए, आपका मैथ और ऑब्जेक्टिव यूं आप बना देंगे, बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। यहां पे देखिए तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यानी मस्ट बी 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 भी बहुत ज्यादा, ठीक है, VVI है, समझ जाइए, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जितना भी लगा लीजिए आप, ठीक है, W मत समझिएगा उस हिसाब से। अब थोड़ा सा इसका वैल्यू भरते हैं, 5 है तो 5 भरते हैं, क्या भरते हैं 5। cos 60 का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, cos 60 याद है, एक ये भी ट्रिक बताए हैं, 1, 2 √3 cos 60 का बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा cos 60 का मान हो जाएगा आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान होता है कर्ण बट्टा आधार, तो हो जाएगा कर्ण और 30 के लिए, यहाँ पे ना 30 होता है तो 30 के लिए आधार हो जाएगा √3, यानी कि कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा, यानी 2/√3, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 लिखिएगा, रूट में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस 10^2 = 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर और बट्टा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बट्टा नहीं दीजिएगा तब वो चलेगा, पूछिएगा सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, तो बता रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा के जगह पे है ना कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1, तो इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1, और आपको एक चीज पता है कि नीचे 1 कभी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते ही नहीं है, क्योंकि 2/1 कभी नहीं देखते हैं, 1 छिपा रहता है, नीचे 1 क्या रहता है, छिपा रहता है, छिपने का मतलब क्या हुआ, अरे 1 का मतलब हुआ 2 कितना बार लिखा है, 1 बार लिखा है, अरे तो वैसे भी 2 लिख रहे हैं तो 1 ही बार ना दिख रहा है, ठीक है, तो ये चीज होता है, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक, ये लिख दिया हम 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 स्क्वायर से रूट हट गया तो बचा 3 और माइनस में 1, ये 5 × 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस में 1, 1/ मान के बट्टा का जोड़ घटाव कर लीजिए, 4 × 3 = 12 3 हुआ 3 × 5 = 15 प्लस 3 का टेबल पढ़िएगा कितना बार में 4 बार में 16 × 4 = 64 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 12, ये दोनों को ऐड कर दीजिए उसमें से, ये घटा दीजिए, सिंपल है, तो 15 यहाँ पे 5 और 4 = 9 6 और 1 = 7 और माइनस 12/12 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और बट्टा में हो गया 12। अब इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके इतना ही आंसर हो गया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास ये भी ट्रिक है और इससे पिछले वीडियो में जो बताया वो भी ट्रिक है, तो लगाना शानदार और ये लिख लीजिए, ये 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपके 3 नंबर या 5 नंबर में हमेशा रहता है, इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह उतार लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और आपको ना मैथमेटिक्स में टॉप करना है, टॉप ऑफ द बेस्ट, हिंदी में भी 100 में 100 यानी 100 नंबर पर आपको ज़्यादा काम करना है, और SST का तो ट्रिक पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का जबरदस्त ट्रिक, बहुत शानदार शानदार ट्रिक पड़ा है, जा करके प्लेलिस्ट खोल करके देखिए तो सही, उसको एक बार देखो तो सही, दिल में उतर ही जाएगा।